व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। किंग का नया गाना आ चुका है बाजी, और मैं अगर पर्सनल फेवरेट बताऊं तो अभी तक मेरा वो है तू आके देख ले, और इनका वो वाला भी मेरे को बड़ा मस्त लगता है, मैं बस कहती नहीं, वो भी बड़ा प्यारा गाना है और एक अलग ही वाइब है इनके गानों में, और जब भी सुनो तो ऐसा लगता है कि सुनो लूप पे, सुन लूप पे। तो आज बाजी सॉन्ग एंजॉय करते हैं, लिरिक्स भी किंग के ही हैं तो साथ में एंजॉय करते हैं। उर्जी वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द चैनल किंग, इनका खुद का चैनल है तो साथ में एंजॉय करने वाले। और आप बताना आपकी फेवरेट लाइन कौन सी थी और गाना कैसा लगा बाजी। और डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ है कि दिस ट्रैक कैप्चर्स द यूफोरिया द मैडनेस एंड द हार्ट ब्रेक थ्रू हिज स्टोरी। ओ माय गॉड, हार्ट ब्रेक भी होने वाला है तो कुछ ना कुछ मतलब दिल टूटने वाले भी होगा। तो लेट्स सी, 1 2 3 गो। हम तुमसे जब मिले मिलते ही रहे, तुम्हें देख के मुझे लगता है मेरे दिल को एक मिली है शांति, एक मिली है शांति। काफी हम फिरे तुम तब जाके मिले, लगता नहीं ये सच है या कोई ख्वाब है, मेरा तो फना कर दो और निकल के तू सच में आ जा, इस दुनिया से मुझको चुरा जा। शांति अभी क्या हो तू मेरे प्यार को, के मेरे जैसा कोई नहीं है, ये मेरी होके सबको बता जा, मेरी होके सबको बता जा। देख लो मेरे जैसा कोई नहीं है, पर एक जहां है क्या जाना, तुम वहां पे रहती हो, वहां पे रहती हो। मैंने सुना है कि दिल को संभाले, तुम कब से यहां पे बैठी हो, यहां पे बैठी हो। जो खा चुका हूँ छोटे उनको तुम शफा कर दो, और निकल के तू सच में आ जा, इस दुनिया से मुझको चुरा जा। जानती अभी क्या हो तू मेरे प्यार को, के मेरे जैसा कोई नहीं है, ये मेरी होके सबको बता जा, ये मेरी होके सबको बता जा। ये बड़ी मैं लगती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी होके सबको बता जा। बहुत कूल शूट किया हो ना, रोमांटिक टाइप और स्केच में तुम देख लो है आखरी खेली मैंने है ये बाजी, तुम्हें जीत लो खुद हार के मैं बस रुका हूँ, तुम कब हो राजी ना 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 चैप्टर टू द लास्ट सॉन्ग, 16:05 को 11 बजे चैप्टर टू लास्ट सॉन्ग। अच्छा, चैप्टर टू अभी आएगा, एक और आएगा 16:05 को। और इस गाने में पहली बात तो अगर गाने की बात करें तो म्यूजिक नेक्स्ट लेवल, प्लस एक हिप हॉप वाइब, प्लस जो गाना था ना वो आपको पहली बार में आपको फील होता है कि भैया हाँ मजा आ गया। जैसे ही गाना शुरू होता है जो मुझे स्टोरी लाइन जैसे चलती रहती है वो तो मुझे बहुत अच्छे, मतलब लिरिक्स बहुत कैची था ये लास्ट में,
मैं तो ऐसे 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 कर रही थी नहीं, वो मैं कह रहा हूँ हार्ट ब्रेक इसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया कि आप सब कुछ भूल भाल के किसी के पीछे पागल हो जाते हो, प्यार में हो जाते हो कि बस तू ही मेरी जिंदगी है, सबको बता देगी हर एक चीज, प्यार में पागल हो, और कई बार इतने जुनून में हो जाते हैं कि पता मिलता है आगे वाला बिट्रे कर जाता है और धोखा मिलता है। तो हार्ट ब्रेक भी मेरे हिसाब से उस तरह के, लेकिन अगर बात करें गाने के लिरिक्स बहुत ही कैची थे, स्पेशली मेरी फेवरेट लाइन अगर मैं कहूँ तो वो थी तुम मेरी हो के सबको बता दो, मेरी हो के सबको बता दो कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी हो के सबको बता दो, ये मेरी फेवरेट लाइन थी। और गाना बहुत प्यारा, प्लस जो स्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया, वो स्केटिंग कर रही है, रोमांटिक सीन था जिस तरीके से पूरा माहौल एक जो सेट किया था बड़ा अमेजिंग था। एंड लिरिक्स से लेकर गायकी से लेकर अगर बात करी जाए, म्यूजिक बहुत ही कैची था, कैची इन द सेंस की अगर आप सुनते हो तो आपको पहली बार में स्ट्राइक करता है कि यार या आई लाइक दिस सॉन्ग, ये गाना बड़ा प्यारा। और वही वाली बात है ना कि किंग की आवाज में एक जादू है, ये मैं कहूंगा, क्योंकि मैं इनको फॉलो करने लगा जब मैंने वो गाना सुना था रैंडमली सुना था कि देख उस गाने ने भैया, वो गाना तो सच में से कहते हैं ना कि बिल्कुल जवान पे चढ़ गया था वो वाला, और ये गाना भी ऐसे ही है शुरू से ही गाए वाला भी, और कि क्या बोलते हैं मेरे जैसा कोई नहीं सबको बता, ये बड़ी बढ़िया प्यारी लाइन लगी थी। और जैसे शुरू हुआ था कि तू रहती कहाँ है, वो बादलों मेरे से दिल में बसती, मेरे दिल में बसती हर एक चीज, बादलों से परे एक जहाँ है क्या जाना तुम वहां पे रहती हो, वहां पे रहती हो, मैंने सुना है कि दिल को संभाले तुम कब से यहाँ पे बैठी हो, दिल को संभाले कब से यहाँ बैठी हो, बहुत ही सुंदर था। निकल के तू वो था ना, कोई ख्वाब है मेरा तो फना कर दो, और निकल के तू सच में आ जा, इस दुनिया से मुझको चुरा जा, वो होता रहा कि क्या बोलते एक बार वो दुनिया से चुरा के तो नहीं ले गए ऐसे चाकू मार के कि चल मेरे साथ वो अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट उस तरीके से दिखाएगा ना जैसे मैं पढ़ रहा था। सेकंड वो आएगा ना अभी तो, हाँ मतलब एक एल्बम में आएगा क्योंकि नई एल्बम आ रही ना, ये एल्बम पूरी ख्वाबीदा एल्बम है, और प्लस इसमें गाने के वो जो था कंपोजिशन मजा आता है जब ऐसा होता है, एक हिप हॉप टाइप होता है, एक थोड़ा वो ऐसा होता है म्यूजिक की जब आप मतलब थोड़ा हार्ट ब्रोकन टाइप जैसे दिखाया ना उस हिसाब से म्यूजिक था, ऐसा नहीं लगा कि क्या पूरा चिल वाइब्स थी, मतलब एंजॉय करने वाला, एंजॉय वाला मतलब आपको सैड फील भी हुआ लेकिन एक गाना जो होता है ना कि आपको अच्छा भी फील कराएगा। और बाकी अपनी फेवरेट लाइन कमेंट करके बताना, और आप गाने सजेस्ट कर सकते हो जिस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए, कुछ अगर हमने पॉइंट्स मिस करो तो जरूर आप बताना, और स्टोरी अगर हमें थोड़ी बहुत अगर हमसे चूक हुई है तो आप भी बता सकते हो कि आपको क्या समझ आया। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।